नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अंबुज उपाध्याय। आइए नजर डालते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में इस बार 16 मार्चिंग दल, 17 सैन्य बैंड और कुल 25 झांकियां लेगी हिस्सा। यूपी के कैरेना में अमित शाह ने घर घर जाकर किया प्रचार, चुनाव आयोग के कोविड नियमों का नहीं दिखा ख्याल। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर का बड़ा आरोप, अवैध रेत खनन में हिस्सेदार हैं सीएम चन्नी, सिद्धू के पास सोचने की भी ताकत नहीं। बरेली कैंट से कांग्रेस प्रत्याशी सुप्रिया एरन सपा में शामिल, अब बरेली कैंट से साइकिल के सिंबल पर लड़ेंगी चुनाव। बढ़ते कोरोना केस के चलते यूपी के सभी शैक्षिक संस्थान 30 जनवरी तक रहेंगे बंद। उत्तर प्रदेश के भाजपा से नहीं बनी बात, जदयू ने जारी की 26 उम्मीदवारों की सूची, कुल 51 सीटों पर उतारेगी अपने प्रत्याशी। दिल्ली में आए 10,756 नए कोरोना के मामले, 38 मरीजों की मौत, 18% के पार संक्रमण दर। अंडर-19 विश्व कप में आराध्य और सिद्धार्थ विजय, उत्तर प्रदेश के दो युवा खिलाड़ी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का करेंगे प्रतिनिधित्व। महाराष्ट्र के दो शहरों में हो सकते हैं आईपीएल के सभी मैच, 27 मार्च या 2 अप्रैल को मुंबई व पुणे में होंगे मैच। अगले 2 दिन में जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली में बारिश के आसार, बर्फबारी से होगी कड़ाके की ठंड। 10 बड़ी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।